हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने सोचा है कि मैं लंच में बनाऊंगी मशरूम दो प्याज़ा, और ये मेरी क्विक रेसिपीज़ में से एक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूं। तो इस ब्लॉग के साथ बने रहिए ताकि मैं आपको अपनी रेसिपी बता सकूं। और आइए बनाते हैं मशरूम दो प्याज़ा। मशरूम दो प्याज़ा के लिए यहाँ पर हमने कुछ अनियन अलग से कट किया है, जिसको हम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने अनियन कट कर लिया है, टमेटो है, ये अपने को तेज पत्ता लेना है। इसके अलावा इसमें अदरक है, हरी मिर्च है, लहसुन है और काजू है। काजू आप अपने हिसाब से 8-10 जो भी लेना चाहे अपना ले सकते हैं। और लहसुन की दूरी मैंने यहाँ पर 5 से 6 ली है। थोड़ा सा 1 इंच के आसपास अदरक कट किया है और हरी मिर्च मैंने 4 यूज़ की है। और यहाँ मैंने मशरूम भी कट कर लिए हैं। एक अनियन अलग से कट किया था, इसको हल्का सा तेल में थोड़ा फ्राई करना है, हल्का पिंकिश ही रखना है इसको। हमको 1.5 चम्मच ऑयल लेना है, और जो सब्जी हमने कट की हम उसको एक साथ ही डाल देंगे। काजू भी इसमें ही डाल देना है और आधा चम्मच नमक डाल दिए, आधा चम्मच तक छान देना है ताकि ये थोड़ी सी भुन न जाए। यहाँ आप देखेंगे कि मेरे यहाँ इसमें सब्जी में टमाटर गल चुके हैं, तो मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इसको पूरी तरह से ठंडा होने देना है और उसके बाद हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। मेरा मसाला ठंडा हो गया है और मैं अब इसे ग्राइंड करूँगी। इसमें जो हमने तेज पत्ता डाला था उसको इसमें नहीं पीसना है, बट उसे फेंकना भी नहीं है, उसे अभी आप साइड में अलग रख देंगे, फिर मैं आगे बताऊँगी इसका क्या करना है। हम सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसके बाद जो तेज पत्ता हमने अलग किया था वो 4-5 काली मिर्च, 1 स्टार लेना है और 1 आपको बड़ी इलायची लेना है। उसके बाद जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो हम तेल गर्म होने के बाद इन खड़े मसालों के बाद डालेंगे। और इसमें हम वही तेज पत्ता यूज़ करेंगे जो हमने सब्जी से अलग किया था। 1 स्टार डालेंगे, 1 आपको बड़ी इलायची यूज़ करनी है और 4-5 काली मिर्च। मसाला डालने के बाद हम इसमें अपना गरम मसाला डालेंगे और इसे तब तक होने देंगे जब तक कि मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मसाला हो चुका है। अब इसमें मैं कुकिंग क्रीम यूज़ करूँगी, ये यहाँ का दुबई का लोकल ब्रांड है। आप वहाँ पर अमूल यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास घर का फ्रेश क्रीम है तो वो सबसे बेस्ट है। क्रीम भी अपना ऑयल छोड़ दें, उसके बाद हम इसमें अपने मसाले यूज़ करेंगे। यहाँ मेरा मसाला पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी। नमक हम ऑलरेडी एक बार ऐड कर चुके थे, तो आपको अपने स्वाद के अनुसार नमक डालना है। 1 चम्मच इसमें आपको लाल मिर्च डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इनको अच्छे मिक्स कर लेना है और भी अच्छे से धनिया देना है। हल्दी का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और सब्जी का कलर जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं आएगा। होने के बाद इसमें हम 1/2 ग्लास दूध यूज़ करेंगे। आप चाहे तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं दूध यूज़ करती हूँ, इससे उसका फ्लेवर और अच्छा आता है। बाकी आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। और ग्रेवी जितना आपको थिकनेस चाहिए या ग्रेवी में चाहिए उस हिसाब से आप दूध और पानी को ऐड कर सकते हैं। उबाला होने के बाद जो हमने अनियन को ऑयल में फ्राई किया था वो हम डाल देंगे, और इसके साथ ही हम मशरूम्स को भी डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुने लेंगे।
हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है और अब इसमें लास्ट में कसूरी मेथी यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून। और 2 मिनट होने के बाद हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी सब्जी रेडी हो गई है और मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। और हमारी लंच की सब्जी रेडी हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। इसके साथ में कुकम्बर रायता और चपाती विद सैलेड सर्व करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो घर पर जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।